നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമന നമസ്തേ സരസ്വതിദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ హరే కృష్ణ. ఈ దామోదరకమైన బహుత్ పవిత్రమైన ఈ బారా మహినోమే ఈ జో కార్తీక మహిన జిస్కో ఉస్కా దూసరా నామ హై దామోదర మహిన యే భగవాన్ కా బహుత్ ప్రియ హై. యే పర్టికులర్ యే జో మంత్ హై మంత్ ఆఫ్ కార్తీక या दामोदर भगवान का बहुत प्रिय है. जनरली भगवान कोई उनसे मांगता है कुछ तो भौतिक सुख या मोक्ष भगवान दे देते हैं मांगने पे, लेकिन भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो भगवान जल्दी नहीं देते हैं किसी को. शुद्ध भक्ति देने से भगवान स्वयं भक्तों के बस में आ जाते हैं, इसलिए नहीं देना चाहते हैं. लेकिन इस दामोदर महीने में जब भक्त लोग भक्ति करते हैं तो दामोदर महीने में भगवान शुद्ध भक्ति भी दे देते हैं मांगने पे. तो ये महीना बहुत विशेष है. इस महीने में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है भगवान की, तो स्पेशली दामोदर लीला हुई है जिसकी वजह से इस महीने का नाम ही हुआ है दामोदर का महीना. शांति से बैठ जाए. दामोदर की लीला दीपावली के दिन हुई थी, हम उसका ही थोड़ा विस्तार से श्रवण करते हैं दामोदर लीला का. वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बचपन में ये बहुत छोटी उम्र की, जब 2-3 साल की उनकी उम्र है तब की लीला है. भगवान प्रतिदिन सुबह घर के बाहर निकल के अलग अलग घरों में जाके मक्खन खा लेते थे, और तब जिनके घरों से भगवान मक्खन खा देते वे गोपियाँ आके मैया यशोदा को शिकायत करती थी कि आज तुम्हारे पुत्र ने मेरे घर से मक्खन चोरी करके खा लिया. फिर दूसरे दिन दूसरी गोपियाँ आके बोलती थी आज मेरे घर से तुम्हारा पुत्र मक्खन चोरी कर लिया. तीसरे दिन तीसरे को बोला मेरे घर से मक्खन चोरी करके खा लिया, तुम्हारा लड़का खाली चोरी कर रहा है केवल मक्खन. तो इस दौरान यहाँ डेली बार बार एक ही बात सुन रही थी, चोरी कर लिया चोरी कर लिया चोरी कर लिया चोरी चोरी. कोई भी माँ को अगर सोचिए, अगर कोई सब लोग बार बार बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा है चोरी कर रहा है, कितना अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा सुन के. तो मैया को भी ये सुन के अच्छा नहीं लगता था कि सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा बेटा चोर है. चोर कहने जैसी कोई चीज नहीं है वहां पर. वास्तव में देखेंगे तो ये वृंदावन में प्रचुर मात्रा में दूध दही मक्खन उपलब्ध है. सबके घरों में गाय भैंस हैं और सबके घरों में बहुत दूध दही मक्खन है हर घर में. और कृष्ण इतने छोटे हैं, और कृष्ण जब अपने नन्हे हाथों से अगर किसी घर में जाके थोड़ा सा मक्खन खा लिया
इसे कोई बड़ा नुकसान किसी का नहीं होता है, कितना मक्खन उनका कम होगा, एक छोटा बच्चा कितना मक्खन लेगा, कुछ नहीं। और वो भी वृंदावन, जहाँ की मक्खन की मतलब जब समय आता तो नदियां बहती है, ना होली से खेलते रहते हैं मक्खन और दही से। इसलिए जो मक्खन चोरी करते थे थोड़ा सा, उससे उनकी कोई कमी नहीं होती थी गोपियों की किसी की। तो फिर शिकायत करने की क्या आवश्यकता थी उसमें कि कृष्ण मक्खन चोरी करके ले जाना है। तो हकीकत यह है कि ये गोपियां जब सुबह मक्खन बनाती हैं, बनाने के समय ये सोचती रहती है कि आज अगर भगवान करे कृष्ण मेरे घर से मक्खन चोरी करके खा ले, उनकी इच्छा रहती थी कि मक्खन कृष्ण खाएंगे। कि गोपियां नींद से उठ के कृष्ण को ही पहले स्मरण करती है, ब्रजवासी सब लोग कृष्ण को ही स्मरण करते हैं, और उनका सब कार्य चाहे गाय को धोना हो या मक्खन बनाना हो, सभी कार्य कृष्ण के लिए ही होते हैं। तो वो लोग दूध दोहती है कृष्ण के लिए, मक्खन बनाती है कृष्ण के लिए, और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण आकर के मक्खन खाते हैं। गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए ही वो मक्खन चोरी करते हैं, और वही गोपियां जाके फिर यशोदा को कंप्लेन करती हैं कि तुम्हारा बेटा चोरी कर लिया मक्खन, और कृष्ण को डांट पड़ती है। कृष्ण बोलते आप लोग ही प्रार्थना करती हो, और मैं जब लेता हूं मक्खन तो जाके फिर मम्मी को बोल के हमको डांट खिलाती हूं। तो गोपियां क्यों कंप्लेन करती हैं, क्योंकि उनको इसी बहाने से वो नंद महाराज के घर में जाने का बहाना मिलता है, जाके कृष्ण को देखने का बहाना मिलता है। इसलिए जा जाके मक्खन की कंप्लेन कोई बड़ी नहीं थी, असली बात थी कि कृष्ण को देखना था, इसलिए वो लोग जाते थे। तो मैया यशोदा सोचने लगी कि ठीक नहीं हो रहा है, मेरे बेटे को सब लोग चोर चोर बोल रहे हैं, ठीक नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि शायद मेरे घर की जो दासियां हैं ये मन लगा के मक्खन नहीं बनाती होगी, जिसकी वजह से कृष्ण अड़ोस पड़ोस में जाकर के मक्खन खा लेता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने हाथों से मक्खन बनाऊंगी, इतना सुंदर स्वादिष्ट मक्खन होगा जिसको खा करके कृष्ण चोरी करना भूल जाएंगे। इस तरह से वो सोच रहे थे, तो उनकी इच्छा पूरी होती है। दीपावली के दिन सब दासियां घर को सजाने में व्यस्त हो गई थी, घर को सफाई करने में व्यस्त हो गई थी, कोई मक्खन नहीं बना रहा था। उस दिन यशोदा ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, तो स्वयं भोर में उठ के अपना स्वयं मक्खन बनाने में लग गई। वो दधी का मंथन करना होता है, उससे फिर मक्खन बनता है। आप में से किसने देखा है दही को विलोते हुए, ओरिजिनल टीवी में नहीं? अरे वाह, अच्छा है। तो वो बहुत सुंदर होता है, बड़ा मिट्टी का घड़ा, उसके ऊपर लकड़ी का बहुत ऊंचा मंथन होता है, और उसको ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैया यशोदा उठ करके दही बिलोने लगी,
मंथन करने लगी। हमने बचपन में देखा है एकदम ओरिजिनल, बहुत मतलब सीलिंग को छू जाता है, इतना लंबा लकड़ी का मंथन होता है और खड़े खड़े करते हैं पूरा। तो मैया यशोदा जो गति मंथन कर रही थी उसका बहुत सुंदर चित्रांकन किया है सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में। वो कहते हैं कि माँ यशोदा जब दधि मंथन कर रही थी तब वो अपने श्रीमुख से गुनगुना रही थी, क्या श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को गा रही थी और अपने हाथों से दधि का मंथन कर रही थी। बच्चे लोग बहुत बात कर रहे हैं, क्या बात है, कहाँ पर? हाँ वहाँ पर कोई नहीं। फॉर चिल्ड्रन देर इज स्पेशल क्लास, ऑल चिल्ड्रन कैन गो। सब बच्चे कितने बच्चे? बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पेशल क्लास हो रहा है। अरे वो भी खुश, हम भी खुश। यशोदा मैया जब दधि मंथन कर रहे थे उनका रूप का वर्णन है। वो यशोदा मैया सांवरी है देखने में और पीले रंग का साड़ी पहना हुआ है। सब बच्चे गए नहीं लगता है। दरवाजा बंद कर दो सागर। अच्छा बड़ों का क्लास अटेंड करेगा। और उनका वर्णन आता है कि मुंह से भगवान का कीर्तन कर रहे थे, हाथों से दधि मंथन कर रहे थे और मन से भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रहे थे। उनके हाथों की जो चूड़ियां हैं उनमें घर्षण होकर के वो भी सुंदर एक छंद ताल बन रहा था और जो मंथानी है रवैया जिससे वो कर रहे दधि मंथन वो भी नीचे मिट्टी के पात्र में घर्षणों के उनका भी एक ताल छंद सुरीला आवाज आ रहा था। तो इस तरह से वो संगीत एक संकीर्तन हो रहा था। ये मंथाने से मृदंग का आवाज आ रहा था और उनकी चूड़ियों का जो ताल से जैसे ताल से हिला रहे थे हाथों को करताल जैसा आवाज आ रहा था और वो गा रहे थे। तो एक संकीर्तन हो रहा था और यशोदा मैया पूर्ण समाधि में थी, पूर्ण कृष्ण भावना में बन गई थी क्योंकि कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से भगवान की सेवा कर रही है, मन से भगवान का स्मरण कर रही है, वाचा वाणी से भगवान का गुणगान कर रही है। तो उनका शरीर मन और वाणी तीनों पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसको कंप्लीट
समाधि कहते हैं। जो बड़े बड़े योगी मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, शांति रखने से अच्छा होगा, ज्यादा मैनेजमेंट मत करिए, तो आएगा चुपचाप बैठ जाएगा। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि लोग हिमालय में जाके भगवान का ध्यान करते हैं, समाधि में मग्न हो जाते हैं। उनकी समाधि से माँ यशोदा की समाधि बहुत ऊंचे स्तर की समाधि है, क्योंकि इसमें वो भगवान का केवल स्मरण नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में डूबी हुई हैं। इसको भी समाधि कहते हैं। और उनका शरीर बहुत भारी था, उन्होंने कमर को कस के साड़ी से, साड़ी को कमर में बांध दिया था कस के, ताकि अच्छे से सेवा कर सके। और उनके स्तनों से दूध चू रहा था, क्योंकि वात्सल्य में भगवान का स्मरण कर रही थी। तो कृष्ण जो घर में सोए हुए थे, बाल कृष्ण शिशु, उनकी नींद टूट गई और वो उठ खड़े हुए, बिस्तर से नीचे उतरे और कृष्ण धीरे धीरे अपने आंखों को मसलते हुए दोनों हाथों से वो पहुंचे यशोदा के पास, जाकर के जो मंथानी थी लकड़ी की जिससे वो हृदय मंथन हो रहा था, उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए। तो यशोदा मैया कृष्ण का इशारा समझ गई, उन्होंने कृष्ण को अपने गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। कृष्ण बड़े प्यार से आनंद से दूध पीने लगे। वास्तव में वो दूध नहीं है, वो यशोदा मैया का वात्सल्य भक्ति रस है। भगवान को चीजें नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। यशोदा मैया का जो वात्सल्य भक्ति है, वो दूध के फॉर्म में, दूध के रूप में कृष्ण पी रहे। दूध तो एक माध्यम है, लेकिन भक्ति रस का भगवान पान कर रहे। तो कृष्ण इस तरह से बहुत सुंदर वात्सल्य रस में मग्न है। मैया यशोदा भी उनकी सेवा करे सुंदर रूप से, और उस कार्य में एक बाधा आ गई, बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि पास के कमरे में चूल्हे के ऊपर दूध को उबालने के लिए रखा गया था और दूध उफन के गिरने लगा। तो भक्ति में बाधा, हम लोग के जीवन में भक्ति में बाधाएं आती है, और यहां पर गोलोक धाम में भी भक्ति में बाधा आ रही है। भगवान को भी भक्तों के साथ प्रेम आस्वादन करने में बाधाएं आती है। हमारी बाधाएं दूसरी है, वहां की बाधाएं दूसरे लेवल की है। वहां पर बाधाएं आ रही है प्रेम भक्ति को बढ़ाने के लिए, गोलोक धाम में बाधाएं आती है ताकि प्रेम और बढ़ जाए, लीला और इंटेंस हो जाए, लीला और अच्छी हो जाए, इसलिए बाधाएं आ रही। अगर वो दूध गिरता नहीं तो शायद ये लीला ही नहीं होती दामोदर बंधन की। तो मैया यशोदा ने जब देखा कि दूध गिर रहा है, तो वो डिलेमा में पड़ गई, क्या करें, उस दूध को उतारने के लिए जाए
कृष्ण को छोड़ के या दूध को गिरने दे और कृष्ण को दूध पिलाते रहे। क्या करना चाहिए उनके मन में? एक दुविधा आ गई। तो अभी आप लोग होते तो क्या करते? If you were in place of Yashoda, what would you do? पहले क्या आप दूध उतारने जाएंगे कृष्ण को छोड़ के, या कृष्ण को दूध पिलाते रहेंगे, दूध को गिने दीजिए? Which one is more important? What would you do? गैस पहले बंद करेंगे फिर इधर आएंगे, किसी को आवाज करेंगे। आपके पास दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप दूध उतारने के लिए जाइए कृष्ण को छोड़ के, दूसरा ऑप्शन है आप कृष्ण को दूध पिलाते रहिए और वो दूध गिरेगा, खत्म हो जाएगा। तो जो लोग को लग रहा है कि दूध उतारने जाना चाहिए पहले, हाथ उठाइए। Those who consider Yashoda should run and save the milk from burning and leave Krishna, वो लोग हाथ उठाइए। और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं कृष्ण को दूध पिलाते रहना चाहिए और दूध को गिरना है तो गिरने दीजिए, वो लोग हाथ उठाइए। बहुत लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, सब लोग डिलेमा में। You need to advise now. Yashoda को advise करना है। आप क्या advise देंगे? दूध उतारने का advise देंगे कि कृष्ण को दूध पिलाने का advise देंगे? अरे वो तो जो लोग ये advise करेंगे कि यशोदा को दूध उतारना चाहिए पहले, वो हाथ उठाइए। और आप एडवाइस करें कि पहले दूध पिलाते रहना चाहिए कैसे, वो लोग हाथ उठाए। ओके, विनीत प्रभु का भी, उनका भी सोल्यूशन है, आपका भी आंसर। यशोदा वो भी सोचिए, नहीं सोचिए ऐसा नहीं है। एनी वे, यशोदा डिसाइडेड द फर्स्ट, सी लेफ्ट कृष्ण, सी वेंट टू रेन एंड सेव द मिल्क फ्रॉम बर्निंग, दूध को उतारा। उन्होंने यही डिसाइड किया और वो भी ऑप्शन सोचा उन्होंने। यशोदा सोची कि मैं कृष्ण को ले जाती हूँ साथ में और वहां जाके उतारूंगी, लेकिन वो सोची कि दूध ऑलरेडी गिर रहा है और मैं दौड़ नहीं पाऊंगी कृष्ण को गोद में रख के, मुझे दौड़ के जाना है, इसलिए कृष्ण को उतारना पड़ा, इसलिए उतारा। ये भी कंसिडर किया था ऑप्शन। अब ये उन्होंने जो डिसाइड किया इसके ऊपर हम लोग थोड़ा अपना चर्चा करेंगे कि इन्होंने डिसीजन कैसे लिया कृष्ण को छोड़ के दूध को उतारने के लिए क्यों गई यशोदा। देखिए, जब यशोदा गई तो कृष्ण बहुत नाराज हो गए। ही गॉट अनॉयड, he got disappointed and he become very angry, so much so that he broken the pot. Itna gussa aaya krishna ko ki jisme dadi manthan ho raha tha usi ko tod diya patthar se. To ab yahan par ek baat hame bahut acche se samajhna hai, vichar karna hai कि भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति करना मतलब, भक्ति मतलब टू प्लीज कृष्ण, कृष्ण को खुशी करने को ही भक्ति कहते हैं। यहां पर मैया यशोदा का एक्शन कृष्ण को प्लीज नहीं किया, कृष्ण गुस्सा हो गए, अनॉयड हुए। So how could this be considered bhakti? Krishna agar gussa ho gaye
तो इसको भक्ति में कैसे गिना जाएगा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको और फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं कंस को मारने के लिए, तब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए दो पहलवान रेडी किए थे, चाणूरा और मुष्टिका, और कंस ने कृष्ण के साथ उनका कुश्ती करवाया। बहुत बड़ा कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ था और वो पहलवान बहुत लंबे तगड़े थे, कृष्ण छोटे थे, उनके साथ उनको लड़ना था कुश्ती में। और कृष्ण का जो शरीर था वज्र जैसा कठोर हो गया, और जब चाणूर और मुष्टिक वो पहलवानों ने कृष्ण से कुश्ती किया और कृष्ण को मुक्का मारना शुरू किया, तो कृष्ण को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उनका कोई बॉडी को मसाज कर रहा है, क्योंकि उनका बॉडी तो वज्र जैसा कठोर है और चाणूर और मुष्टिक बहुत जोर जोर से मार रहे हैं, लेकिन कृष्ण को आनंद आ रहा था, बहुत वो खुशी हो रही थी, अच्छा फीलिंग अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो सोचते थे कि ये मैया यशोदा का हाथ बहुत सॉफ्ट है, वो जब मसाज करती है सॉफ्ट हाथ से क्या होता है उससे। असली मसाज अभी हुआ, ये चाणूर मुष्टिक ने मार मार के बॉडी पूरा फिट कर दिया। नाउ दिस एक्टिविटी ऑफ चाणूर एंड मुष्टिक इज प्लीजिंग टू कृष्ण, इट प्लीज कृष्ण, तो इसको क्या भक्ति कहा जाएगा कि नहीं? हाँ, जो लोग सोचते इसको भक्ति कहा जाएगा हाथ उठाइए, भक्ति नहीं कहा जाएगा हाथ उठाइए। आप लोग हाथ उठाने में तो डरते क्यों है? ये तो कल में जहां पूछा तो सब लोग हाथ उठा रहे थे, तो यूथ क्लास में सब हाथ उठाए। आप लोग डर रहे हैं कोई शूटिंग कैमरा मरा कहीं मिस्टेक आ जाएगा। तो कोई मतलब चिंता मत करिए, ओपिनियन देने में डोंट वरी, रॉन्ग होगा राइट होगा नो प्रॉब्लम। हाँ, दोनों के लिए अवार्ड है। तो ये पहलवान लोग कृष्ण को खुशी कर रहे थे मार के, कृष्ण को प्रसन्नता हो रही थी, इसको भक्ति कहा जाएगा कि नहीं? हाँ, जो लोग सोचते कि नहीं हाथ उठाइए अभी कुछ आदत, और जो लोग सोचते भक्ति है हाथ उठाइए, हाँ अभी कुछ हुआ कुछ हाथ उठे, कुछ लोग अभी भी नहीं उठा रहे, लेकिन ये इधर ये मेज पे रखा ले, उठा ले, तो ये भक्ति नहीं कही जाएगी। चाणूर मुष्टिक का एक्शन से भगवान के शरीर में आराम हो रहा था, लेकिन इट इज नॉट भक्ति। वाई? इंटेंशन। पहलवानों का भगवान को खुशी करने का इंटेंशन नहीं है, दे वॉन्ट टू किल कृष्ण, कृष्ण को हत्या करना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में कृष्ण को आनंद आ रहा है, वो अलग बात है। सिमिलरली मदर यशोदा, ऑल्दो हर एक्टिविटी डिड नॉट प्लीज कृष्ण, बट हर इंटेंशंस वर ऑलवेज टू प्लीज कृष्ण। यशोदा मैया कृष्ण को खुशी करने के लिए कर रही थी, इसलिए इट इज भक्ति। कृष्ण भले नाराज हो गए लेकिन वो भक्ति है। तो हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है ये देखा जाएगा। हम जैसे चेंटिंग करते हैं, जप करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? कृष्ण को खुशी करने के लिए कर रहे हैं कि वी हैव सम अल्टीरियर मोटिवेशन, कुछ इंटरेस्ट से कर रहे हैं, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से, तो भक्ति नहीं होगा, तो बिजनेस हो जाएगा।
अगर हम कृष्ण को खुशी करने के लिए जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब वो भक्ति कहलाएगा। अब यहाँ पर और थोड़ा एनालिसिस करना होगा कि मदर यशोदा, अगर उनका इंटेंशन अच्छा था, वाय सी कंसिडर्ड सेविंग द मिल्क वॉज मोर इम्पोर्टेंट फीडिंग बेबी कृष्ण, वाय सी कंसिडर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये एनालिसिस करना जरूरी है। उनका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन क्या उन्होंने डिसीजन ठीक लिया, ये बात है ना। तो यहाँ पर कृष्ण को डायरेक्ट सी सर्विंग फीडिंग द मिल्क, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ टू गिव कृष्ण अवर ऑन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, इससे बड़ा क्या हो सकता है अचीवमेंट। और उससे ज्यादा उन्होंने कंसिडर किया वो दूध को, और दूध जो उधर है, दो चार लीटर दूध है, उसका वैल्यू कितना होगा, 200-400 रुपया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण को प्लीज करना। सो देर इज स्पिरिचुअल कैलकुलेशन करना होगा, मटेरियल कैलकुलेशन से नहीं होगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग देर इज कॉन्शियस, सब कुछ वहां पर चेतन है, चिन्मय है। इन मटेरियल वर्ल्ड वी फाइंड मैटर एंड स्पिरिट, मतलब कॉन्शियस बीइंग एंड डेड मैटर, उसका कॉम्बिनेशन से सब कुछ बना है। लाइक आई गिव ऑलवेज एग्जांपल, दिस माइक, इज इट मैटर और स्पिरिट, मैटर। What about this mridangam? Matter or spirit? Matter. What about me and you? Spirit. Actually, our body is matter and we, soul, are spirit. So we are combination of matter and spirit. Our body is matter and we are spirit. So this entire world is a combination of matter and spirit. But spiritual world is entirely spiritual. There is no material there, no matter. वहां पर भौतिक पदार्थ है नहीं, केवल conscious being है। So even mridangam in spiritual world is conscious and spirit. अगर वहां microphone है तो वो भी spirit है, matter नहीं है। Now let us understand the difference between a conscious mridangam and मैटर और अनकॉन्शियस मृदंग, क्या डिफरेंस है। तो कॉन्शियस बींग में देर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। जब स्पिरिट में या कॉन्शियस बींग में सोचने की शक्ति होती है, अनुभव करने की शक्ति होती है और इच्छा शक्ति होती है, थिंकिंग, then feeling, then willing. And matter does not have thinking, feeling or willing power. जैसे मृदंग है और ये माइक है, उसमें सोचने की शक्ति नहीं है। अभी ये माइक को पता नहीं है कि कौन लेक्चर दे रहा है, मृदंग को पता नहीं कि कौन उसको बजा रहा है। It doesn't know, it cannot think like that. अगर एक कॉन्शियस होता तो उसको पता चलता कि कौन लिख रहा है। सिमिलरली फीलिंग नहीं है, मृदंग में फीलिंग नहीं है कि ये प्रभु जी हमको बजा रहा है, ठीक से जोर जोर से हाथ मार रहा है, हमको दर्द हो रहा है, इसे ठीक से बजाना चाहिए था, ऐसा उसके अंदर फीलिंग नहीं है। कॉन्शियस होता तो होता। और ये माई को कोई, तो मेरे को कोई मिसहैंडल कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, नो फीलिंग देयर। और विलिंगनेस नहीं है। अब मृदंग या माइक ये सोचता कि अरे ये इतना, ये फलाना प्रभु लेक्चर दे रहा है, ये प्रभु अच्छा नहीं है, मैं आज बजूंगा नहीं, साउंड ही नहीं निकालूंगा। या मृदंग सोचेगा अरे ये मैं जो ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है, तो मैं भी अच्छा साउंड नहीं करूंगा। सो देर इज नो सच थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। बट अगर कॉन्शियस होता, आप देखें तुरंत आपको कभी मूड अच्छा होगा तो बजेगा,
मूड अच्छा नहीं तो बजेगा नहीं। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज कॉन्शियस, दैट मीन्स यू टू सो मच कॉन्शियस एंड सेंसिटिव टू डील विथ ईच एंड एवरी पर्सन। यहाँ कोई जरूर नहीं, अब जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कर दो कुछ माइक नाराज होने वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी होता है इधर तो सोच समझ के करना होगा, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रेनिंग, अगर हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो सब कुछ कॉन्शियस होगा। इसलिए भक्ति में हमको ट्रेनिंग मिलता है। ट्रेनिंग में क्या, हम लोग को कहा जाता है कि मृदंग भी भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, उसको बजाने के पहले प्रणाम करना पड़ता है और प्रणाम करके फिर बजाते हैं। इसलिए हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है कि हाउ, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव देयर, एवरीथिंग इज कॉन्शियस, नो मैटर। जो लोग टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज, दे कैन नॉट डील विद पीपल एंड पर्सन, जिनका चेतना थोड़ा ऊंचा होगा वो लोग पीपल और पर्सन से डील कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिकॉज एवरीथिंग इज पर्सन, नो मैटर। तो दूध जो था वो भी कॉन्शियस बीइंग है। तो दूध सोच रहा था कि मदर यशोदा इतना दूध पिला रही है प्यार से, कृष्ण का पेट पूरा भर जा रहा है, तो अभी तो कृष्ण मुझे पिएंगे नहीं, तो मैं भगवान की सेवा में लगूंगा नहीं, तो मुझे जी के कोई फायदा नहीं है, मैं अपना जीवन को खत्म कर दूंगा। ऐसा सोच के दूध जंप्ड ओवर ऑन द फायर और आत्महत्या करने लगा आग में गिर के। देन मदर यशोदा थॉट कि अरे मैं तो कृष्ण को हमेशा सेवा करती हूं, आज भी करे हूं कल भी करूंगी, लेकिन ये दूध बेचारा, उसको भगवान की सेवा से डिप्राइव नहीं होना चाहिए, उसको भगवान की सेवा करने का मौका पहले ही मिलना चाहिए। सो सी कंसिडर्ड दैट मिल्क शुड गेट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण, देन आई कैन सर्व लेटर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यहाँ का जैसा कॉम्पिटिशन है कि आई फर्स्ट देन यू सेकंड, वहां पर है यू फर्स्ट आई एम सेकंड। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मेंटेलिटी होता है। तो यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, भले ही कृष्ण हमारे ऊपर गुस्सा करें कुछ भी करें, लेकिन वो दूध जो है वो भगवान का भक्त है, उसको बचाना चाहिए, उसकी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सोच के उन्होंने कृष्ण को रख दिया जमीन पे और दूध को उतारा। तो हर इंटेंशंस वर हाईली प्योर टू सर्व कृष्ण ओनली। और दूसरी बात ये थी कि जो दूध रखा हुआ था वो कृष्ण के लिए था, और ये दूध अगर गिर जाता तो कृष्ण के लिए उस दिन के लिए पीने का दूध नहीं रहता, ये भी दूसरा कारण था। तो जब यशोदा मैया दूध उतारने गई और दूध उतार जब वापस आए तो देखिए कि घर में पूरा दही भरा हुआ है, कृष्ण ने पूरा मटकी तोड़ के गिरा दिया और कृष्ण वहां से पलायन करके चले गए। और कहां गए दिखने रहे, लेकिन कृष्ण जाते समय उनके पाँव में दही लग गया था, उनके पाँव की जो फुटप्रिंट थी उसको फॉलो करके करके यशोदा आगे बढ़ी। तो आगे जाके क्या देखती है कि कृष्ण दूसरे कमरे में जो सीके के ऊपर सीलिंग में जो मक्खन झूल रहा था उस मक्खन को खा रहे थे। कृष्ण जैसे मटकी फोड़ के उस कमरे में जाते हैं और उनकी नजर पड़ती है सीके के ऊपर, तब सोचते कि हाँ ठीक है, मैया ने तो मुझे दूध नहीं पिलाया, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, मुझे मैं भी मक्खन खा लूंगा, मुझे भी जरूरत नहीं है मैया की, उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है। ऐसा सोच के वो मक्खन खाने लगे और मक्खन खा के भी बंदरों को खिलाने लगे, और बार बार कृष्ण पीछे देख रहे थे। क्यों देख रहे थे पीछे? को डर था, चोर के मन में हमेशा पुलिस का डर बना रहता है, तो बार बार पीछे देख रहे थे। और देखा कि यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेके आ रही है,
कृष्ण देख के डर गए कि इतने गुस्से में ऐसा रूप पहले नहीं देखा था, गुस्सा बहुत बार देखा था लेकिन छड़ी लेके आ रहे हैं तो डर गए कृष्ण। तो डर के मारे वो उखल से कूद के भागने लगे, यशोदा भी पीछे पीछे दौड़ने लगी और कृष्ण मकान के बाहर चले गए कोर्टयार्ड में दौड़ते दौड़ते। और जनरली कृष्ण बाहर नहीं जाते, बहुत छोटे थे तो इस तरह से बाहर भागने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि देखो मैया तो लकड़ी लेके आ रही है और एक बार अगर लकड़ी पड़ेगी तो कितना दर्द होगा, और इससे अगर मैं बाहर जाऊंगा तो पड़ोसी लोग देखेंगे, उनके सामने मारने की एटलीस्ट थोड़ा तो शर्म रखेगी, ये उनके दिमाग में चल रहा था, इसलिए भागे बाहर घर के बाहर। और यशोदा लेकिन आज इतना उनको गुस्सा था कि पड़ोसियों का शर्म को भी छोड़ के वो लकड़ी लेके उसके पीछे पीछे चेज करने लगी कृष्ण को। देखिए जनरली आपको अगर कहा जाए कि लकड़ी लेके रास्ते में थोड़ा दौड़िए तो आप भी नहीं करेंगे, लोगों की थोड़ी लाज है ना। यशोदा मैया को वो भी छोड़ दी लाज, इतना गुस्सा आ गया था कृष्ण के ऊपर, तो दौड़ रहे थे कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे पीछे यशोदा। देखिए भगवान कृष्ण जिनको बड़े बड़े योगी लाखों वर्ष ध्यान करके उनको छू नहीं सकते, और जिनका स्पीड माइंड से भी फास्ट है, उनको एक गोपी कैच कर पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, कैसे पकड़ सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? भगवान को कोई कंपटीशन में कैसे हरा सकता है? अगर भगवान नहीं चाहते तो कोई उनको पकड़ सकता है? असंभव। लेकिन फिर भी यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी कृष्ण को पकड़ने के लिए। बहुत दूर तक चला इनका ये रेस। जब यशोदा दौड़ रही थी उस समय उनके कपड़े पूरे ढीले हो गए, साड़ी बाल बिखर गए, और उन्होंने सर पे फूलों की वेणी बनाई थी, वो फूल खसक के गिरने लगे, पूरा पसीना पसीना हो गई। और जब कृष्ण को लगा कि बस अभी तो ये बहुत थक गई है, ज्यादा कष्ट देना परेशान करना उचित नहीं होगा, छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है, तो कृष्ण अपना स्पीड को स्लो कर दिया और मैया यशोदा ने उनको पकड़ लिया। देखिए जो भगवान कोई इनको नहीं पकड़ सकता है, इवन इस उपनिषद में लिखा है अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आत्मवन पूर्व मर्षत तद धावतो अन्या अत्येत तिष्ठत तस्मिन अपो मातरिश्वा ददाति। मतलब भगवान अचल है लेकिन मन से भी ज्यादा फास्ट चल सकते हैं, और भगवान जब चलते हैं तो देवता लोग भी उनको पीछा करके उनको पकड़ नहीं सकते। उन भगवान को वो भगवान मैया यशोदा के हाथ में पकड़ में आ गए। भगवान कोई पकड़ नहीं सकता है लेकिन अगर वो स्वयं किसी के पकड़ में आ जाए तब उनको कोई पकड़ सकता है। तो यशोदा की भक्ति इतनी प्रबल है कि भगवान को उनके हाथ में आना पड़ा। जो फूल गिर रहे थे इसके बारे में बहुत सुंदर आचार्यों का फिर कमेंट्री है। फूल भी कॉन्शियस बीइंग है तो वो सोच रहे थे कि अरे हम किसके सर पे बैठे हुए हैं, ये मैया यशोदा जिन भगवान को साक्षात मृत्यु भी डरता है, जिनके नाम उच्चारण करने से काल मृत्यु डर के भाग जाता है, वह भगवान जिसको पूरी दुनिया डरती है वो भगवान इस मैया यशोदा के डर से भाग रहे हैं।
तो मैया सुधा कितनी महान है, इसके सर पे बैठने लायक हमारी योग्यता नहीं है, हमें तो इनके चरणों में रहना चाहिए। ऐसा सोच के फूल गिरने लगे, मैया यशोदा के सर से गिर के उनके चरणों को स्पर्श करने लगे कि नहीं, इनके चरणों में हमारा स्थान है। इस तरह से तो कृष्ण को पकड़ लिए यशोदा ने, और पकड़ के उनको यशोदा ने अपने बाएं हाथ से कृष्ण का दायां हाथ पकड़ा और छड़ी उठा के उनको दिखाया। ऐसे कृष्ण डर गए, बाप रे ये छड़ी गिरेगी पर। तो कृष्ण डर के क्या किए, वो अपने दोनों हाथों से आंख मलने लगे और रोने लगे। ये उनका नकली रोना था और शिशक शिशक के रो रहे थे ताकि उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। रो रहे थे और रोते रोते कहने लगे कि लकड़ी देख के हमको डर लग रहा है, मैया डर लग रहा है लकड़ी देख के, मारना मत। तो यशोदा ने लकड़ी को फेंक दिया दूर, छड़ी को, क्योंकि उनको भी डर था, कृष्ण डर नहीं जा ज्यादा, फेंक दी छड़ी। और फिर यशोदा सोचने लगी कि कृष्ण को क्या किया जाए, इसको मैं अगर इनको मारने में मुझे इनको मारने की हिम्मत नहीं है, मारना नहीं चाहती हूँ, छोटा सा बच्चा है, लेकिन अगर उनको अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ तो इसकी जो शरारती है सुधरेगा नहीं। हमें उसको सज्जन बनाना है। तो मैया ने मिडवे एक रास्ता निकाला और सोचा हम इसको बांध के रख देते हैं, इसको मारना भी नहीं छोड़ना भी नहीं है। तो बांधना भी कम पनिशमेंट नहीं है, अगर आपको किसी को भी बांध के रखा जाए, दो घंटा बांध के रखेंगे एक जगह खड़े रहो, बड़ों को भी हम लोग को भी, तो बहुत इससे बड़ा कोई शर्मिंदा अभी किसी को बांध के रखा जाए पता चलेगा। मुझे लगता है होल लाइफ हमको कर्ष करते रहेंगे, अपमान करते रहेंगे, हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे हमको ऐसा किया गया था। और छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको अगर बांध के रखा जाए 2 घंटा, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। मैया यशोदा ने लेकिन ये स्टेप लिया, कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। तो वो वृंदावन में गाय को धोने के लिए एक रस्सी यूज की जाती है। रस्सी किसने देखा है, गाय को धोने वाली रस्सी देखिए, हाथ रहे जिन्होंने देखी है। और रस्सी क्या काम में आती है, उनके पाँव के दोनों बांध देते हैं। तो गाय के पाँव को बांधने वाली रस्सी से कृष्ण को बांध रहे हैं, कृष्ण को बांधा तो 2 उंगली छोटी पड़ गई रस्सी, फिर दूसरी रस्सी जोड़ दी, तीसरी रस्सी जोड़ दी, रस्सियां जोड़ते जा रही है लेकिन हर बार 2 उंगली छोटी पड़ रही है, एवरी टाइम 2 fingers short। फिर कुछ गोपियां आ गई उधर और यशोदा को टीज करने लगी, अरे यशोदा छोड़ दो ना, क्या हुआ है, छोटा सा बच्चा ही तो है ना, आखिर इतना गुस्सा क्या कर रही हो, अरे तुम बांध नहीं पाओगी, छोड़ दो छोड़ दो। इस तरह से बोल रही थी तो यशोदा गुस्सा हो गई, तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ अपने घर से रस्सियां लेके आओ। तो सब गोपियां और रस्सी लेके आए, सब रस्सियां जोड़ दी, फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ी। तब यशोदा मैया को एक तरफ गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ आनंद हो रहा था। गुस्सा इसलिए आ रहा था कि रस्सी बार बार 2 उंगली छोटी पड़ जा रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि छोटा सा काम नहीं कर पा रही है, आप यहां तक पहुंच गए कि कृष्ण को हम पनिशमेंट देंगे, बांध देंगे, सब कुछ कर लिया लेकिन फिर छोटा सा गांठ नहीं मार पा रही है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। और अंदर अंदर में बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है,
कुछ चमत्कार जानता है, कोई सिद्धि जानता है, सब रस्सियां कहां पेट में चले जा रही है, इतनी सारी दिखाई नहीं पड़ रही, कुछ तो चमत्कार भी सीख गया है, मैजिक करता है कुछ, इस तरह से अंदर में खुशी हो रही। तो इस तरह एक साथ डबल भाव चल रहा था। तो कृष्ण को लगा कि अभी माया बहुत परेशान हो गई है, बहुत थक गई है, पसीना पसीना हो गई है, फ्रस्ट्रेशन में। तो कृष्ण को दया आई और वो बंध गए, मां की रस्सी से बंध गए, पहली रस्सी से बाकी सब रस्सियां गिर गई। और मैया ने कृष्ण को बांध के, बहुत बच्चे भी वहां पर आ गए थे, छोटे छोटे बच्चे देखने के लिए, यशोदा ने उन सबको कहा कि तुम लोग सब यहां पर खड़े रहो और देखना कि कृष्ण और कुछ शरारती नहीं करे, मैं अभी थोड़ा देर में आ रही हूं, बोल के दूसरा काम करने के लिए चले गई। और ये लोग बच्चे सब कृष्ण को घेर के खड़े हो गए और सब बच्चे कृष्ण की ओर देख रहे थे और सब बच्चे सिंपैथी दिखा रहे थे, बोलते कृष्ण वी आर वेरी सॉरी, वी कैंट हेल्प यू, यू आर इन सच ए कंडीशन। तो कृष्ण बोलते कि अरे यू डोंट टू बिकम सॉरी, जस्ट अनटाई दिस रोप। दुखी होने की जरूरत नहीं है, रस्सी खोल दो। तो वो हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? देखिए रस्सी बांधा है मैया यशोदा ने, और कृष्ण को जो मान के लाठी मार सकती है वो हमारे क्या हालत करेगी, हम लोग छोड़ देंगे तो। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी रस्सी खोलने की। तो कृष्ण कोई बात नहीं, मैं मेरा खुद मैनेज करता हूं अभी, यशोदा मैया ने तो मुझे बहुत अच्छा पनिशमेंट दे दिया, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा उसको अभी। ऐसा सोच के वो अपना उखल को लेके घूमने लगे पूरे कोर्टयार्ड में, घूमते घूमते उन्हें नजर पड़ गया उन दो वृक्षों के ऊपर, दो बहुत ऊंचे लंबे वृक्ष थे, वृक्षों का नाम है अर्जुन वृक्ष, बहुत ऊंचे, कई शायद हजारों वर्ष पुराने थे, बहुत चौड़े थे वृक्ष। उनकी नजर पड़ी तो उनको याद आया ये दो वृक्ष पिछले जन्म में देवताओं के पुत्र थे, देव कुमार, और इन्होंने कोई अपराध किया था जिसकी वजह से इनको श्राप मिला वृक्ष बनने का, और नारद मुनि ने, मेरे परम भक्त ने इनको श्राप दिया था। और जब इन्होंने माफी मांगा तब नारद मुनि ने कहा था कि जाओ, तुम लोग का जन्म वृंदावन में होगा, नंद महाराज के कोर्टयार्ड में होगा, हजारों वर्ष बाद द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनका जब स्पर्श होगा तब तुम लोग, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण याद करने लगे कि मेरे परम भक्त नारद मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया है कि मैं आकर के इनका स्पर्श करके उद्धार करूंगा, तो ये कार्य मेरा अभी अधूरा है, बाकी है, तो आज अच्छा मौका है, आज इनका मैं उद्धार कर देता हूं, दोनों काम हो जाएगा, इनका उद्धार भी हो जाएगा और यशोदा मैया को भी थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं। तो कृष्ण ऐसा सोच के, आचार्य कहते कि कृष्ण को खुद जब बंधन में थे रस्सी के, तो उनको उनके ऊपर दया आई कि ये लोग भी बंधन में है, मैं बंधन में, मुझे कष्ट हो रहा है, ये लोग को कितना कष्ट हो रहा होगा, इतने दिन से वृक्ष योनि में बंधे हुए, तो लेट मी नाउ नाउ डिलीवर देम, हेल्प देम। तो सिंपैथी आया क्योंकि अपना कष्ट देख करके दूसरे कष्ट को समझ में आता है। तो कृष्ण गए खेलते खेलते दोनों वृक्षों के बीच में से पास किए और उखल फंस गया, फिर उखल को खींचा जोर से, वृक्ष इतने जोर से गिरे जैसे बिजली गिरती है,
ऐसा आवाज आया, पूरा वृंदावन कांप गया वृक्षों के गिरने से, जोर से आवाज हुआ। और उन वृक्षों के अंदर से दो देवता प्रकट हुए, वो हाथ जोड़ के श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, एक कुबेर देवताओं के ट्रेजरर है, देवताओं के धन के खजानची हैं, तो हम दोनों कुबेर के पुत्र थे पिछले जन्म में, और हमारे पिता के धन से, हमारे पिता के वेल्थ पैसे से हम लोग इतना घमंडी हो गए थे, इतना गर्वित हो गए थे कि हमने अपना कैरेक्टर भी खो दिया था, और हम लोग बहुत दुष्कर्म कर रहे थे, और हमारी ये दशा देख करके नारद मुनि को हमारे ऊपर दया आई, और उन्होंने दया करके हमको सुधारने के लिए श्राप दे दिया कि आप लोग वृक्ष बन जाओ। जब हमने उनके चरणों में गिर के माफी मांगा, तब उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण आप दोनों का उद्धार करेंगे। तो आपके परम भक्त नारद मुनि की कृपा से, आपके शुद्ध भक्त की कृपा से आज ने हमने आपका दर्शन किया, आपका स्पर्श हुआ, और आपकी भक्ति हमें प्राप्त हुई। तो आपके भक्त की कृपा से इतना सौभाग्य हमें मिला है कि आज हम आपकी लीला दर्शन किए, बाल लीला, आपका स्पर्श किए, और हमें अभी हम अपने धाम देवलोक में वापस जा रहे हैं। और उन्होंने प्रार्थना की है, भगवान आप हमें कृपा करिए कि हम जब देवलोक में जाएंगे तो दोबारा पिता के ऐश्वर्य से, धन से हम फिर से घमंडी नहीं हो जाए। आप हमें कृपा करिए कि हमारे कान सर्वदा आपकी कथा सुनने में मग्न रहे, आप कृपा करिए कि हमारी वाणी सर्वदा आपका गुणगान करने में लगी रहे, और आप कृपा करिए कि हमारा मन सर्वदा आपका चरण का स्मरण करने में लगा रहे। और इस तरह पूरा जीवन बिताने के बाद हम जीवन के अंत में हम गोलोक धाम वृंदावन चले जाए। इस तरह से देवताओं ने प्रार्थना की और श्री कृष्ण को 3 बार परिक्रमा किया करके आकाश में उड़ गए। इधर जब वृक्ष जोर से गिरे थे तो वृंदावन के वासी सब डर गए कि क्या हुआ, कोई बिजली गिरी, इतना सवा आवाज आया। तो सब लोग उस आवाज की तरफ दौड़ के आए, वृक्ष के पास आके देखा कि श्री कृष्ण बीच में गिरे हुए हैं और दोनों तरफ दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए, मतलब ऑलमोस्ट ना बच गए कृष्ण, ऐसा लगा देख के। कृष्ण बीच में सोए हुए लेटे और दोनों तरफ वृक्ष। तो ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आए, सबको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने गिराया वृक्ष को, वृक्ष कैसे गिर गए, कृष्ण सही सलामत है कि नहीं, बातचीत होने लगी। कुछ लोगों ने बच्चों को पूछा कि आप लोग इधर थे, कहो क्या हुआ। तो बच्चे कहते कि अरे कृष्ण ने गिराया वृक्ष। अरे बच्चे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, इतने बड़े वृक्ष हाथी भी इसको नहीं गिरा सकते और कृष्ण ने गिरा दिया, छोड़ो इनकी बातें। फिर बता अच्छा और क्या हुआ। तो बच्चे बोलते कि इस वृक्षों में से दो देवता निकले थे और ये देवता ने भगवान को बहुत लंबी प्रार्थना की कृष्ण को, और संस्कृत में क्या क्या बोले थे हमको पता नहीं, लेकिन वो लोग कृष्ण को परिक्रमा करके आकाश में उड़ गए। तो देखिए हम पहले बोले थे बच्चे ऐसी बातें करते, वृक्ष में से कोई मनुष्य निकले के आकाश में उड़ गया, क्या सब बोल रहे हैं। तो उनको कोई बात में विश्वास नहीं हुआ बच्चों की। और नंद महाराज बाहर गए हुए थे, वो भी वापस आए वृंदावन में, और आकर के उन्होंने देखा ये दृश्य। तो नंद महाराज, अल्टीमेटली नंद महाराज ने कृष्ण को उठा के गोद में लिया
एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रस्सी खोलने का हिम्मत किया, रस्सी खोल दिया और खोल के कृष्ण को गोद में लिया और प्यार से कृष्ण को पूछने लगे कि बेटा बताओ किसने तुम्हें बांधा है, मैं उसको बहुत बड़ी सजा दे दूंगा, कौन तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की, किसने किया? तब कृष्ण बोलते पापा मैया ने मुझे बांधा है और आपको पता नहीं है वो डेली मेरे मुझे ऐसा टॉर्चर करती है। तो कृष्ण नंद महाराज बोलते अच्छा बेटा कृष्ण मैया ने तुम्हें ऐसा किया, ठीक है मैं उनको बहुत बड़ी सजा दूंगा, तुम देखना अभी तुमको मैया के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ रहो, आज से मेरे साथ रहो। तो कृष्ण बोलते ठीक है बाबा मैं सही में मैया के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही सोऊंगा, आपके साथ रहूंगा। बोल के कृष्ण नंद महाराज के साथ चले गए घर पे और नंद महाराज ने यशोदा मैया को भी थोड़ा बोला कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से ये दामोदर लीला ये यहाँ पर समाप्त होती है। हरे कृष्ण। ऐसी लीलाएं भगवान की डेली चलती रहती है। तो एक लीला एक दिन की लीला है, एक दिन का वो भी हाफ डे फर्स्ट आवर की लीला है, ऐसी प्रतिदिन लीलाएं होती रहती है। कोई प्रश्न है? दो उंगली का रहस्य सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनकम्प्लीट हो जाएगा कथा। दो उंगली बार बार की छुट्टी कम पड़ रही थी। पहला उंगली है माँ यशोदा का प्रयास, कृष्ण को बांधने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। और दूसरा उंगली है श्री कृष्ण की कृपा मर्सी। तो हमारे भक्ति में अगर हम सफल होना चाहते तो दो चीज की जरूरत है। पहला है हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति करने के लिए, और दूसरा है भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो कृष्ण देखना चाहेंगे कि हम सफिशियंटली प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण देखना चाहेंगे कि हम लोग टू अवर बेस्ट कैपेसिटी माया से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वी आर नॉट कैजुअल इन अवर भक्ति। जब तक हम कैजुअल रहेंगे उनकी कृपा बरसने वाली नहीं है। ही वॉन्ट्स टू सी अस स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यशोदा मैया कितना स्ट्रगल की थी, जस्ट सोचिए, बांधने के लिए कितना प्रयास की, एक रस्सी दो रस्सी तीन रस्सी सैकड़ों रस्सियां जोड़ रही थी, पसीना हो जा रही थी, लोग टीज कर रहे थे लेकिन छोड़ी नहीं, लोग उपदेश दे रहे थे कि अरे छोटा बच्चा है छोड़ दो, क्या किया है गलती क्या छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी, उनका प्रयास जारी रहा। तो हमारे भक्ति में प्रयास हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और फुल एनर्जी फुल कैपेसिटी हमें लगा देना चाहिए। कृष्ण जब देखेंगे कि वी आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड टू गेट भक्ति देन ही विल गिव मर्सी। ये बहुत जरूरी है। और कोई सोचेगा कि हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है, वो भी गलत है। इसके बारे में बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, कलम ने बता रहा था मैं यूथ क्लास में ये प्रयास और कृपा के ऊपर। टाइम लेट हो गया था, वो मोबाइल के बिना टाइम नहीं देख सकते। अच्छा तो फिर शॉर्ट में बोले तो जब एक आदमी कुएं में गिर गया है ना, एकदम अंदर में कुएं में गिर गया, तो कुआं बहुत गहरा था, 80 फुट, हाँ 100 फुट गहरा कुआं,
और उस कुएं के अंदर उसको निकालने के लिए ऊपर से रस्सी छोड़ जाता है। तो रस्सी जब नीचे गया तो उसको रस्सी पकड़ना है और ऊपर से कोई खींचेगा, तो जो रस्सी को पकड़ने में वो है हमारा भक्ति में प्रयास, और ऊपर से जो खींच रहा है वो कृष्ण की कृपा। अगर ऊपर वाला रस्सी खींचता है लेकिन नीचे वाला आदमी बोलता है कि हम रस्सी को पकड़ेंगे नहीं, हाँ उसको खींचने दो, तो खाली खाली रस्सी चला जाएगा। और वो नीचे वाला सोचता है कि रस्सी पकड़ूंगा फिर ऐसे लटक जाऊंगा तो बहुत कष्ट होगा, हमको रस्सी नहीं पकड़ना है। तो दो दो चार पत्थर बांध दिया रस्सी में, वो खींचेगा, उनको लगेगा कोई आदमी आ रहा है, और देखिए पत्थर ही आ गए। तो हम जब रस्सी पकड़ेंगे कुएं में गिरे रहेंगे, तो आपको पता होगा किसी ने देखा है कि नहीं, हम तो देखा है, वो रस्सी जो होता है नारियल का रस्सी, हाथ पूरा जल के पूरा लाल हो जाता है। हम सोचेंगे अरे इतना कष्ट हो रहा है, छोड़ दो रस्सी, छोड़ेंगे तो गिरेंगे और नहीं तो कुएं में पड़े रहेंगे। तो इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा अगर हमको बाहर आना है तो। और इतना ही नहीं, एक तो हाथ लाल हो जाएंगे, सिर्फ पूरा बॉडी का वेट खाली दो हाथ के ऊपर आ जाएगा, तो दो हाथ के ऊपर पूरा बॉडी का वेट आ जाएगा, तो बहुत कष्ट होता है। तो उतना कष्ट हमको सहन करना ही पड़ेगा तब ऊपर वाले रस्सी खींचेंगे तब बाहर आ जाएंगे। तो अगर हम वी डोंट वॉन्ट टू स्ट्रगल, अगर हम कष्ट नहीं करना चाहते और सोचे कैजुअली हो जाएगा, तो फिर भगवान की कृपा नहीं आएगी, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, 16 माला जप करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना होगा। ये रस्सी को पकड़ने का मतलब है माला को पकड़ना है, ये माला है रस्सी हमारी, तो इसमें 16 माला हमको चाहे कुछ भी हो जाए अच्छे से अच्छा क्वालिटी जप करना है। फिर 4 नियम पाने के लिए कष्ट करना है, सुबह उठने के लिए कष्ट करना है, हाँ सत्संग करने के लिए कष्ट करना है, रेगुलर वीकली क्लास अटेंड करना है, तो इसके लिए हमको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। और जब कृष्ण देखेंगे कि एक्चुअली स्ट्रगल से भगवान को नहीं पा सकते, चाहे कितना भी स्ट्रगल करें भगवान को, लेकिन जब कृष्ण देखेंगे स्ट्रगल कर रहा है तो कृष्ण को दया आएगी, तब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण देखेंगे बहुत स्ट्रगल कर रहा है तब वो कृपा करेंगे, तब इजीली वी कैन गेट कृष्ण। अदरवाइज स्ट्रगल तो बहुत लोग अलग अलग जगह करते रहते हैं, दूसरे दूसरे फील्ड में, उससे कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो ये दैट इज टू फिंगर, हम लोग को प्रयास करना है, कृष्ण की कृपा होगी। हरे कृष्ण। दामोदर पूजा की नमामिश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कषत्कुण्डलं गोकुलनिजमानं यशोदा बियो लोक लाधव मान परमिष्टमतन्तकभूत रुदन्तं मोरनेत्रं युग्ममृजन्तं तरङ्गोदयेन शतकं
मोस्वाशकां पात्रेकाङ्कतञ्जा आनंद कुंडे तदेशितागेसु भक्ते जिता पुना प्रेमतस्त्वां शतमितिम् वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं न जानन्दिनेरहं मोक्षादपि इदं ते वपो नाथ गोपाल सदा मे मनुष्यादि दंते मुखाम्बोजन अत्यंत नील पृथकुंतल स्निग्ध अत्यश मोहश्चम्बितां बिम्ब रक्ताधरां मनस्य